पौड़ी के कोटद्वार नगर निगम में गबन का मामला सामने आया। यहाँ निगम कर्मचारियों की मिलीभगत से लाखों रुपए का हेर फेर हुआ है। मामले में नगर निगम आयुक्त कृष्ण सिंह नेगी ने कोटद्वार कोतवाली में निगम के कर्मचारी पंकज रावत और फर्म मालिक सुनीता देवी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कोटद्वार में कोई भी बिना विकास कार्य के यही फर्म का भुगतान कर दिया गया है। आपको बता दें नगर निगम में 23 लाख रूपये का घोटाला हुआ है, जिसमें निगम कर्मचारी और ठेकेदार का नाम सामने निकल कर आ रहा है। नगर आयुक्त लंबे समय से निगम में हुए घोटालों की स्वयं जांच कर रहे हैं। तो वहीं सीओ कोटद्वार ने बताया कि नगर निगम से एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसमें सरकारी धनराशि का गबन होने का मामला सामने आया है। इस मामले में जानकारी मिली, नगर निगम बिना कार्य किए ही 23 लाख रुपए का भुगतान कर चुका है। जांच करने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी और इस मामले को लेकर कोटद्वार नगर निगम आयुक्त ने कार्यवाही के खिलाफ कोटद्वार व्यापार संघ ने बाजार बंद रखा है व्यापारियों, लेकिन व्यापार बाजार बंद का असर मिला जुला रहा। कोटद्वार से राजेंद्र खंडवाल की रिपोर्ट। नगर व्यापार मंडल और जिला व्यापार मंडल द्वारा कोटद्वार को बंद रखा गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जो हमारे नगर आयुक्त हैं उनके द्वारा आदमी जो जनता है कोटद्वार के व्यापारी लोग हैं उनको तरह तरह के परेशान किया जा रहा है। परेशान का मतलब यह है कि वो सुबह खुद जो है कानून का उल्लंघन भी करते हैं और उसके बाद जो जनता के ऊपर ठीके फूंकते हैं, सुबह निकल जाते हैं, गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं, बेल्ट सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, जबकि जो जो पब्लिक कैरियर वाली गाड़ी है उनके पास लाइसेंस भी लगता है कि पब्लिक कैरियर वाला नहीं है। लाख रुपए का कुछ फर्जी भुगतान सा हुआ अभी जांच में पाया गया, जिसकी एक तहरीर हमने कल शाम पुलिस को दी है और बाकी इन्वेस्टिगेशन हमारे पुलिस वाले जो भी विवेचक होंगे वो डिटेल से विवेचना करेंगे।